और बोरिस जॉनसन के इस्तीफे पर रूस ने तंज कसा है। रूस ने बोरिस जॉनसन की तुलना जोकर से की है, एक बेवकूफ जोकर सत्ता से चला गया, यह पुतिन का बयान सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ बोरिस जॉनसन ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खुलकर विरोध किया है। यूक्रेन को रूस की नाराजगी के बावजूद सैन्य और दूसरी सहायता प्रदान की थी, और अब जब बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं तो इस पर रूस ने बोरिस जॉनसन पर तीखा हमला किया है। रूस ने कहा कि बोरिस जॉनसन के पतन से रूस खुश है क्योंकि एक बेवकूफ जोकर चला गया। बोरिस जॉनसन ने तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन उसकी खुशी रूस की राजनीतिक गलियारों में है। रूसी नेता ने कहा कि जॉनसन को ये इनाम यूक्रेन को मदद करने के बदले में मिला है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बोरिस जॉनसन हमें पसंद नहीं करते थे और हम उन्हें नहीं पसंद करते थे। रूसी संसद के निचले सदन के स्पीकर ने कहा कि यूरोपीय नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसी नीति किस ओर ले जाती है जो रूस के विरोध पर टिकी होती है। रूसी उद्योगपति भी जॉनसन पर हमला करने में पीछे नहीं रहे। रूसी टाइफून ओलेग डेरिस्पका ने टेलीग्राम पर कहा कि यह एक बेवकूफ जोकर के लिए शर्मनाक अंत था।